सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स एंड फ्यूचर आईएएस ऑफिसर। इज एवरीथिंग फाइन? मुझे बहुत अच्छा लगा, राइट? कल का जो सेशन आप लोगों ने देखा, राइट, जो आपका प्यार मिला, प्यार इन द सेंस कि मुझे आपके प्यार की वाकई में जरूरत भी नहीं है। उतना सच बताऊं, अगर आपको एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिल रहा है तो डेफिनेटली यू लाइक माय सेशन, राइट? और दिस इज द रियल प्रूफ ऑफ दिस सेशन कि इतने सारे बच्चे मेरे क्लास में लाइव आते हैं, राइट? हाँ, अगर आप ईमानदारी पूर्वक, ऑनेस्टी पूर्वक अगर आप इस सेशंस को इतना ध्यान देते हो, दैट इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर यू कि मुझे और भी बेहतर आपके लिए करना चाहिए, राइट? इट्स ओके। सो माय डियर फ्रेंड्स, रियली मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से यूपीएससी ने लास्ट 2 ईयर्स में अपने पैटर्न को चेंज किया है, उससे कई गुना ज़्यादा अब मेरे बच्चे भी अपने आप को बदलने वाले हैं, क्योंकि परिस्थितियाँ कैसी भी हो, बस मनस्थिति इंसान का ठीक होनी चाहिए। क्या ठीक होनी चाहिए? मनस्थिति इंसान का ठीक होना चाहिए। सो वंस अगेन, इतने सारे बच्चे अनअकैडमी से सेलेक्ट हुए तो आप क्यों नहीं हो सकते? आइए आप भी ज्वाइन करें अनअकैडमी को, कर सकते। 15 जून से न्यू बैच स्टार्ट्स हो रहा है कल से। एंड माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द मेंस क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम। आरंभ बैचेज भी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, लक्ष्य बैचेज भी स्टार्ट हो चुके हैं। कोई भी बैचेज ज्वाइन करने के लिए अनअकैडमी पे आप मेरे रेफरल कोड SKS10 कोड का यूज करके ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन यूज दिस रेफरल कोड SKS10। डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन अ वेरी सीरियस माय डियर फ्रेंड्स। इसमें कोई भी नो कॉस्ट ऑन EMI। मोर डिटेल यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर। ओनली 4,364 रुपीज़ पर मंथ में आप ज्वाइन कर सकते हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं बात बताऊं, आप सभी बच्चों को इस कोड को यूज करने के बाद आप सभी ऑल एजुकेटर की क्लासेस एक्सेस करोगे। ऑल क्लासेस आपको मिलेगी, प्रीलिम्स की कंप्लीट, मेंस की कंप्लीट, इंटरव्यू और ऑप्शनल, सभी की क्लास एक ही जगह मिल जाएगी, एक ही सब्सक्रिप्शन लेने पर, एक ही रेफरल कोड और प्रोमो कोड यूज करने पे। अगर मैं दिल्ली की बात बताऊं तो यहां पे आपको 10 से लेकर के 12 से 15,000 का आपका रूम रेंट मिलेगा, राइट? 3 से 3,500 रुपये आपका खाने में जाएगा। अल्टीमेट आपका 18 से लेकर के 20,000 अगर आप बेहतर तरीके से अगर आप एक्सपेंस कर सकते हैं तो थोड़ा सा आप इजी लाइफ हो सकता है। लेकिन आज के टाइम में ऑनलाइन इतना सारा रिसोर्स है, इतना कंटेंट है, आप जहां हो वहीं से आप इस एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हो। अब देखो ना, अभी मेंस ओरिएंटेड जो बैच आया यहां पे अनअकैडमी, क्या मेंटरशिप सेशन बाय टॉप एजुकेटर, राइट? देखो ना, 1-to-1 गाइडेंस, राइट? तो आपके लिए अब इससे बेहतर क्या हो सकता है? ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। टाइम बहुत कम है, समय बहुत कम है, लेकिन हमें उसी समय में बहुत कुछ जरूरी है, हमें सीखना है, हमें जरूरी है, राइट? तो एक बार फिर से आप सभी बच्चों को स्वागत है, वेलकम है, राइट? जितने बच्चों ने जिसका भी प्रीलिम्स क्लियर हो गया है, अब वो बच्चे अभी शायद क्लास में तो नहीं होंगे, वो मेंस के लिए तैयार होंगे, राइट? है ना? चलिए, तो नंबर सिस्टम में मैं आपको क्या पढ़ा चुका हूँ, राइट? मैं आपको नंबर सिस्टम में जो मैं आप सभी को पढ़ा रहा था मेरे प्यारे बच्चे, ओके? नंबर सिस्टम में जो हमारी जो क्लासेस चल रही थी, वो चल रहा था आपके लिए रिमाइंडर थ्योरम। क्या चल रहा था? रिमाइंडर थ्योरम। देखो मेरे प्यारे बच्चे, इस रिमाइंडर थ्योरम से बहुत टाइप के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, जो हमें जानना ज़रूरी है, जो आपके लिए भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, राइट? है ना? इतने टाइप्स के क्वेश्चंस आपको कोई भी किसी भी एग्जाम में लेकर के आपको जल्दी डिस्कस यहाँ पे नहीं कोई कर पाता है, राइट? लेकिन मैं चाहूँगा, राइट, चाहे आपका कैट लेवल तक के क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूँगा। जो यूपीएससी का रवैया है लास्ट 2 ईयर से, रिमाइंडर थ्योरम पे ज़्यादा फोकस कर रही है, और करना भी चाहिए, राइट? क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम से बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस जा सकते हैं। इससे ये पता चलता है एग्जामिनर को कि आप कितना पढ़े हुए हैं, आप कितने सेशंस को। सभी लोग लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमॉन, इतने सारे बच्चे लाइव हैं, वेरी गुड, कमॉन टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स एंड फ्यूचर आईएएस ऑफिसर, वेरी गुड। सभी लोग सेशंस को लाइक करिए, एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए, चिपक के आराम से बैठ जाइए। सबके पास नोटबुक होना चाहिए ताकि आपको रियल लाइफ में ये सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाए, राइट? है ना? तो पहली बात, इस रिमाइंडर थ्योरम में मैं आज के सेशन में जो मैं आपके पास में डिस्कस करने वाला हूँ, सबसे फर्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइक्लिसिटी मैथड, ट्यूशन
मेथड वो जो है ना, सुनो एक सेकेंड, तब तक क्वेश्चंस डाल दो, ठीक है? हाँ, सुन तब तक डाल दो, ठीक है? राइट, उसके बाद मैं इसमें आपको फॉर्मेट थ्योरम, फिर मैं आपको इसमें विल्सन रिमाइंडर थ्योरम, राइट, और चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, राइट, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है? इतने टाइप्स के थ्योरम को हमें पढ़ना है। अब यूपीएससी कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकती है? बस आपका इसी प्रकार लाइव आप अटेंड करते रहे, जो मेरे लाइव सेशन में खो गया समझो सीसैट में क्वालिफाई कर गए। इसलिए खूब एनर्जेटिक रहो, राइट, जोश में रहो, जुनून में रहो, अपने आप को फोकस करते चलो। तो इसको थोड़ी देर में हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट, इसको हम लोग अभी जस्ट थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, लेटर विल डिस्कस, राइट, लेटर विल डिस्कस, राइट। अभी जो मैं कल आपको पढ़ा रहा था, ठीक है, कल जो मैं आपको पढ़ा रहा था, मैं थोड़ा सा मुझे वहाँ पे और फोकस करना पड़ेगा, ओके। कल वाली क्लास मुझे लगता है, उम्मीद है कि सर आप सभी लोगों ने देखा होगा, राइट। आज मैं थोड़ा सा मैं आपको एडवांस हल्का सा डिस्कस करूँगा, इसी में जो कल का मेथड, राइट, थोड़ा सा एडवांस, हल्का एडवांस, राइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि हाउ वी विल डिस्कस इन द रिमाइंडर, फॉर द रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम इन एडवांस वे, राइट, है ना। एडवांस में हमें थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, सभी लोग आराम से चिपक के बैठ जाइए, राइट। इसमें आपको एक बात जानकारी होना चाहिए, पहली बात कि फैक्टोरियल, पहले आपको एक बार थोड़ा सा बेसिक्स नॉलेज फैक्टोरियल होना चाहिए। फैक्टोरियल को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, या तो आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, या तो ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं फैक्टोरियल को, राइट। जैसे कि मान लो कि फैक्टोरियल वन है, या नहीं तो वन फैक्टोरियल है तो वन हो गया, फैक्टोरियल टू है तो टू इंटू वन इक्वल टू टू हो गया, फैक्टोरियल थ्री है तो थ्री इंटू टू इंटू वन सिक्स हो गया, मतलब फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन चौबीस हो गया, राइट। फैक्टोरियल फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, राइट, ये एक सौ बीस हो गया, राइट। फैक्टोरियल सिक्स हो गया, सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, राइट, ये आप गेट बंद करो, आवाज़ देखो तो पीछे आ रहा है, फिर उसकी आवाज़ आ रही है, एक सेकेंड, ठीक है। देखो फैक्टोरियल सिक्स हो गया, फैक्टोरियल सेवन, सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन, आप खुद से राइट डाउन कर लेना, राइट। फैक्टोरियल एट का राइट डाउन कर लेना, फैक्टोरियल नाइन का और फैक्टोरियल टेन का, ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें अभी जो मैं यहाँ पे आपको एज ए बेसिक्स इसका बता रहा हूँ, ये आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में भी यूज होगा, ठीक है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में भी इसका यूज होगा, राइट, दैट विल बी यूज फॉर इन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑल्सो, राइट। ये परमुटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों में यूज होगा। आई होप मुझे लग रहा है कि सर इसको आप सभी लोगों ने अच्छे से राइट डाउन कर लिया होगा, राइट, सभी लोगों ने अच्छे से इसको राइट डाउन कर लिया होगा, मुझे पूरा उम्मीद है, मुझे पूरा विश्वास है आप सभी के ऊपर, मेरे प्यारे फ्यूचर आईएएस ऑफिसर, ओके। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे देखो पहला, देखो क्वेश्चन फर्स्ट, देखो फैक्टोरियल वन, फैक्टोरियल टू, फैक्टोरियल थ्री, फैक्टोरियल फोर, फैक्टोरियल फाइव, फैक्टोरियल सिक्स, फैक्टोरियल सेवन, फैक्टोरियल एट, फैक्टोरियल नाइन डिवाइडेड बाय टेन, ओके। फैक्टोरियल वन, फैक्टोरियल टू, फैक्टोरियल थ्री, फैक्टोरियल फोर, फैक्टोरियल फाइव, फैक्टोरियल सिक्स, फैक्टोरियल टेन डिवाइडेड बाय टेन, ध्यान से समझो, राइट, ओके। फैक्टोरियल थ्री, राइट, वन फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल, ये भी फैक्टोरियल का ही साइन है, थ्री फैक्टोरियल, फोर फैक्टोरियल, फाइव फैक्टोरियल, सिक्स फैक्टोरियल, डैश 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 हो गए, टेन फैक्टोरियल डिवाइड बाय 120। इतना पॉइंट क्लियर है,
सबको आई होप लग रहा है कि मुझे इतनी पॉइंट आप सभी का क्लियर होगा, राइट। 120 है ना, 120 के आप 720 लिख दो, ये लो 720, ठीक है, क्लियर है। आई होप मुझे लग रहा है कि सारी चीज़ें आप सभी ने राइट डाउन किया होगा। अब देखो ध्यान से, थोड़ी देर के लिए सभी लोग खामोश हो जाओ, थोड़ी देर के लिए सभी लोग खामोश हो जाओ, लिखना बंद करो, राइट, समझने पे फोकस करो, राइट। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई तो, क्योंकि अगली बार यूपीएससी की जो दिमाग है, जो थॉट प्रोसेस है, जो टफ बना सकती है, वो यहीं से बना सकती है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। इसलिए मेरे जितने भी यहाँ पे ढोको लोलो, मेरे जितने भी मेरे ढोको लोलो, जितने भी मेरे फ्यूचर आईएएस ऑफिसर हैं, यू मस्ट हैव टू बी वेरी फोकस, राइट। वंस अगेन, फैक्टोरियल 1 1, फैक्टोरियल 2 2, फैक्टोरियल 3 6, फैक्टोरियल 4 24, फैक्टोरियल 5 120, फैक्टोरियल 6 720, ऐसे डैश डैश आगे जाएगा फैक्टोरियल 9 तक, डिवाइड बाई 10। अब देखो ध्यान से, आपको क्या करना है, जितना जो मैं बोल रहा हूँ इस वर्ड पे ध्यान दो, जितना अब जो मैं बोलूँगा ध्यान से, राइट डाउन कोई नहीं करेगा। आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कि इस 10 से कहाँ कट रहा है, जहाँ कटेगा उसके आगे सब कट जाएगा। ये देखो 10 है, ये 0, ये कट रहा है ना, ये कट रहा है ना, ये कट रहा है ना, यहाँ से ये कट रहा है, ये कट रहा है, बाकी ये सभी यहाँ से आगे आगे सब कट जाएगा। अगर ये कट रहा है तो सब कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है। अगर ये मल्टीप्लाई होता तब तो आंसर 0 हो जाता, लेकिन इसके बीच में प्लस 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 है। तो देखो यहाँ से कट गया तो इसकी सेवा यहाँ तक ख़त्म, यहाँ से इसके आगे सर्विस सारी ख़त्म। अब देखो 24 + 6 = 30, 30 + 2 = 32, 30 + 1 = 33, तो 33 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो अब आपका रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर 3 आएगा। आराम से सोचो, प्लीज़ बी कूल विद दिस कॉन्सेप्ट, ओके। If you are really very serious with this concept, definitely you will rock. Definitely you will rock. Right? आप बिल्कुल रगड़ दोगे अपने आप को। अब देखो factorial 1, factorial 2, factorial 3, 6, factorial 4, 24, factorial 5 करोगे तो 120, factorial 720, यही बात एक ही बात है, divide by 10, तो यहाँ से कैंसिल होता, सभी कैंसिल होता चला जाएगा। तो 24 वाली देखो, ये फैक्टोरियल 9 तक था, ये फैक्टोरियल 10 तक था, इससे कोई मतलब नहीं है, ये आपको डराने के लिए देगा। फैक्टोरियल 999 तक भी देगा, फैक्टोरियल 1000 तक भी देगा, फिर तुम एग्जाम में रहोगे, तुम्हारे हाथ पैर फूलने लगेंगे, हाँ ये क्या पूछ दिया हमसे, हमें तो ऐसा सब नहीं पढ़ाया ही। और सच बता दूँ मेरे प्यारे बच्चे, मैं अपने ऊपर मुझे घमंड नहीं है, राइट, मैं वाकई में कह रहा हूँ, आप चाहो ना, राइट, तो पेड कोर्स लेना हो तो ले सकते हो, मेरा ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, किसी और का भी लेना ले सकते हो, लेकिन मेरा कहने का मतलब, अगर आप रेगुलर लाइव देखना पसंद करते हैं, रिकॉर्डेड नहीं देखिएगा, लाइव देखोगे तो आपको पता होता है मैं कब कहाँ पे कितने बजे, कब कितने बजे कैसे क्लास होती है, राइट, उस सारी सिचुएशन में बताता हूँ। मैं ऐसा सोच के पढ़ा रहा हूँ, मुझे नहीं ऐसा लगता है कि मैं इस क्लास को ऑनलाइन पढ़ा, मैं ऐसा सोचता हूँ कि मेरे क्लास में एक ऑफलाइन क्लास ले रहा हूँ, यहाँ पे मेरे सभी बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं, तो इसलिए आप जहाँ बैठे हो आप वहीं पर अपने आप को फील करो, राइट, अपने ब्रेन को बताओ कि यस मैं हूँ ऑफलाइन क्लास में, ओके। अब देखो इसको करोगे 1 2 3, देखो तो फैक्टोरियल 1 1, फैक्टोरियल 2 2, फैक्टोरियल 3 6, फैक्टोरियल 4 24, फैक्टोरियल 5 120, फैक्टोरियल 6 720, ऐसे डैश डैश जाओगे फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल तक आएगा, हमें नहीं पता क्या है 720। अब देखो 720 से ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया, सारा का सारा 720 से कैंसिल हो गया, राइट, यहाँ से सारा सारा कैंसिल हो गया। अब देखो इसके आगे 1 + 2 3 3 + 6 9 9 + 24 33 33 + 120 153 by 720, ये छोटा है इसलिए 153 ही इसका रिमाइंडर होगा। बात आई समझ में? अब आई बात समझ में सर आपको, राइट, तो आप इस तरीके से क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं, आप इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ओके। मेरी बात आई होप मुझे लग रहा है कि शायद सभी बच्चों को धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा, धीरे धीरे आप अच्छे तरीके से कर चुक कर रहे होंगे, ठीक है। आराम से सेशंस को सभी लोग लाइक करो, शेयर करो, चिपक के बैठे रहो, कहीं मत भटको। देखो 1 factorial 2 factorial 3 factorial 4 factorial 5 factorial 6 factorial 7 factorial, ये लो 999 factorial, 999 factorial डिवाइड बाई 24, पहला क्वेश्चन
सेकंड क्वेश्चन, 1 factorial, 2 factorial, 3 factorial, 4 factorial, 5 factorial डिवाइड बाय 99 factorial डिवाइडेड बाय आपका आएगा 10। अब बताओ क्या होगा रिमाइंडर। इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अब आप समझ चुके हो, अब आप बेहतर तरीके से कर लेंगे। अब नहीं, मुझे लगता है कि शायद अब आप समझ चुके, अब आपको कोई दिक्कत होगी, आराम से आराम से। चार्ज है तो पता होगा ना कि कहाँ पे है, आपको पता होगा ना कि बाथरूम कहाँ पे है। रुको ना, मैं चलता, थोड़ी देर रुक जाओ, ठीक है? इज इट क्लियर? आराम से सब लोग नोट डाउन करिए, सेशंस को लाइक करिए, नोट आराम से। देखो क्लास में ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किस तरीके से चीज़ों को समझते हैं, राइट? वो बेटर करता है, इसको थोड़ा सही करो, सेट कर दो, राइट? ओके, इस प्रकार आप इम्पॉर्टेंट तरीके से पढ़ें, ठीक है? यही वह तरीका है जो आपको सिलेक्शन दिला सकता है और आपको सेलेक्ट हो। इसको कॉफ़ी को फेंक देना, को फेंक दो, ये उधर रहो। देखिए अगर अब आप सॉल्व करेंगे तो इसका कितना आएगा, इसका 1 आएगा, 2 का 2 आएगा, 3 का 6 आएगा, 4 का 24 आएगा, 6 5 का 120 आएगा, राइट? 999 factorial डिवाइड बाई 24, राइट? तो भाई 24 से तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ भी रिमाइंडर 0, यहाँ भी इसके आगे, इसलिए मैं बोलता बार बार कि इसके आगे सभी कैंसिल हो जाएंगे, एक कट करना है बाकी सब कट हो जाए। और यूपीएससी ऐसा ही क्वेश्चन देंगे, यूपीएससी क्या कोई भी एग्जाम इसी टाइप का आपके पास क्वेश्चंस देंगे, इतना आप मान के चलना, ठीक है? तो 6 + 2 = 8, 8 + 1 = 9, 9 / 24 आपका रिमाइंडर जो है क्या होगा, आपका 9 आएगा। इज इट क्लियर? आई होप, मुझे लग रहा है सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है? फिर यहाँ पर देखो, 1, 2 factorial का मतलब 2, 6, 24, ये 120 समथिंग डैश 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 आगे, ये है आपका 10। देखो फिर इस 10 से ये वाला कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर रिमाइंडर 0, फिर आगे 0, फिर आगे 0, फिर आगे 0, ऐसे करता जाएगा। तो 1 + 2 = 3 + 6 = 9 + 24 = 33, कितना है? 33। 33 डिवाइड बाई 10 आपका रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा। आराम से सेशंस को सभी लोग लाइक करिए, शेयर कीजिए, एनर्जेटिक तरीके से पढ़ो, एक एक पॉइंट्स के डाउट्स को क्लियर करते चलो, ठीक है? अगर आप इस क्लास में हो तो इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी माय डियर फ्रेंड्स के यू विल बी टोटली अंडरस्टूड, राइट? हाउ आई एम सॉल्विंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस फॉर यू एंड हाउ यू आर टोटली फोकसिंग डे टू डे कि कैसे क्या चीज़ किस प्रकार कैसे हम कर रहे हैं। ओके, मेरी बात सबको समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चे? आई होप, मुझे लग रहा है कि आप सभी लोग इस पॉइंट्स को समझ पा रहे होंगे। ओके, चलिए ठीक है, नोट डाउन करिए सभी लोग। अब देखो थोड़ा सा अलग तरीके से बता दो, आगे मूव करूं? इज इट क्लियर? कैन आई मूव ऑन टू दिस क्वेश्चन नेक्स्ट? चलिए देखो एक नोट करके पॉइंट लिख लीजिए। अगर माइनस वन है, अगर माइनस वन के पावर में अगर कोई इवन नंबर है ना, तो वो 1 होता है। क्या होता है? 1। और 1 - 1 के पावर में अगर कोई ऑड नंबर है, अगर कोई ऑड नंबर है यानी विषम है, तो वो क्या होगा? आपका माइनस का 1 होगा। वो क्या होगा? आपका माइनस का 1 होगा, ठीक है? इतना पॉइंट समझिए, इतना पॉइंट इसको समझिए अच्छे तरीके से, ठीक है? इसको अच्छे तरीके, सभी सेशंस को लाइक और शेयर जरूर करते चले, आराम से पढ़े, ठीक है? आराम से पढ़े, ठीक है? देखो देखो, जैसे मान लीजिए कि आपका 67 के पावर 68 डिवाइड बाय 68 है फर्स्ट क्वेश्चन। आराम से समझो, आराम से समझो, राइट? राइट, ऐसा है क्वेश्चन, है राइट? तो अब आप, या नहीं तो ऐसे समझ लो, दूसरा 65 के पावर 65 है और ये मान लो आपका 66 है, ठीक है? ऐसे मान लो, कुछ भी मान लो, या आप ऐसे मान लो, ठीक है, 134 की पावर 133 है डिवाइड में मान लो 135 है,
ठीक है। अब आप देखो ध्यान से, इसको नोट डाउन अभी कोई नहीं करेगा, ध्यान से देखो, ध्यान से प्लीज सभी लोग ध्यान से देखिए मेरे प्यारे, नहीं तो वरना सीसेट का पेपर इतना टफ होता जा रहा है मेरे बच्चे, कहीं का नहीं रहोगे, ठीक है। इसलिए आराम से समझने पे ज़्यादा फोकस करो, राइट। जब समझ जाओगे तो आप खुद ही प्रैक्टिस कर लोगे, राइट, सभी लोग राइट। ध्यान से देखिए, मैं से बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स में आज रीड नहीं करूँगा, क्योंकि मैं इसको पढ़ाने पे फोकस करूँ। अभी अभी कमेंट्स बाद में लूँगा एक साथ सभी का, ठीक है। आराम से क्वेश्चंस वगैरह आंसर बताना बाद में, ठीक है। पहले देखो, पहली बात इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि भाई 67 × 67 × 67 × 67 ये 68 टाइम्स लिखा होगा, ये 68 टाइम्स 67 लिखा होगा, डिवाइड बाय कितना होगा 68, ठीक है, ध्यान से समझो। उसी प्रकार ये जो है 65 × 65 × 65 ये जो है ना, ये 65 टाइम्स लिखा होगा, मैंने आपको बेसिक्स के क्लास में कराया था। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे, जो आपके दिमाग का ढक्कन खोलेगा क्या, देखो 68 से जब 67 में डिवाइड करो तो रिमाइंडर माइनस वन, यहाँ भी रिमाइंडर माइनस वन, यहाँ भी रिमाइंडर माइनस वन, यहाँ भी रिमाइंडर माइनस वन। मैं कोई नई चीज़ें नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये 67 टाइम्स तक है, तो आप क्या इसको आप कह सकते हो कि माइनस वन की पावर 67 होगा, राइट। अब माइनस वन की पावर अगर कुछ भी 67 होगा, माइनस वन की पावर, तो 67 क्या है, आपका ऑड नंबर है। 67 क्या है, आपका ऑड नंबर है। अच्छा, ऑड नंबर पहचानने का तरीका क्या है, लास्ट में 1, 3, 5, 7 और 9 हो। इवन नंबर पहचानने का तरीका 2, 4, 6, 8 और 0, ठीक है, 2, 4, 6, 8, 0, ठीक है। हाँ, ले लेना पेड कोर्स, कोई बात नहीं, सीसेट का भी ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आराम से पढ़ो यहाँ पे, देखो, ठीक है। जिसको भी जो कोर्स लेना ले लेना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, सीसेट बाई संजय कुमार साहब, मैं बार बार कह रहा हूँ, सीसेट बाई संजय कुमार साहब, ये हमारा टेलीग्राम का लिंक है, राइट। आप इसको ज्वाइन करिए, राइट, आप इसको ज्वाइन करिए, ठीक है, सीसेट बाई संजय कुमार साहब। आराम से समझो, देखिए, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। तो अब आप इसको देखो कैसे करोगे, तो भाई अगर आपने, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ऐसा दिमाग नहीं लगाना है, 68 से जस्ट 67 में डिवाइड करो, तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा माइनस वन, तो माइनस वन की पावर 68। याद करो 2023 में कैलेंडर का क्वेश्चन आया था मेरे बच्चे, वो किस पे, वो इसी टाइप के क्वेश्चन, कैलेंडर के क्वेश्चंस में नंबर सिस्टम गुजेर दिया था, ये ले तेरे अंदर दम है तो तू सॉल्व करके देखा, कैलेंडर कैलेंडर बहुत पढ़ता है कैलेंडर ना, देख मैं तुझसे कैलेंडर विद द हेल्प ऑफ नंबर सिस्टम पूछ के दिखाऊंगा, अभी भी कह रहा हूँ लिख लेना। आपका EPFO का एग्जाम है, इसकी अलग से क्लास लगाने वाला हूँ, ठीक है, कल परसों अलग से क्लास लग जाएगी 16 से, राइट। EPFO क्लास है, चाहे CDS हो, चाहे कोई भी, चाहे UPSC का SSC सेट हो, आप देखना 10 से 15 क्वेश्चंस आपके नंबर सिस्टम से रहेंगे। अब ये थोड़ी ना कि नंबर सिस्टम में तुम जो पढ़े हो तुमको डायरेक्ट वो क्वेश्चन मिलेगा, भाई नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट का भी वहां पे यूज होता है। अब बताओ ना, कैलेंडर में आपके पास क्वेश्चन दिया था ना, ऐसा दिया था ना कि 10 की पावर 10, अगर कोई आज संडे है तो बताओ 10 की पावर 10 वहां दिन कौन सा होगा, 10 इज इट क्लियर, तो कैसे ये क्वेश्चन था भाई, अभी आपको बताता हूं, थोड़ा आप खुद ही थोड़ा पेशेंस रखो, राइट। सभी लोग सेशंस को लाइक करिए, शेयर कीजिए, आपको हर वो कंटेंट मिलेगा जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, राइट, बिकॉज आई एम द एक्सपर्ट इन सीसेट एंड साइंस टेक एंड फॉर स्ट्रैटेजी मेकर, राइट, कैसे आपको स्ट्रैटेजी बनाना। अब चलिए खैर कोई बात नहीं, माइनस वन की पावर 68 डिवाइड बाई 68, ये 68 माइनस वन क्या, ये 68 क्या है, 68 क्या है, इवन है, इवन है तो क्या होगा, 1 होगा, यानी यहाँ पे क्या होगा, 1/68, इसका मतलब इसका रिमाइंडर 1 ही है, ठीक है। अब ये 66 65 है, इससे डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा, माइनस वन की पावर 66। अब ये माइनस और 65 क्या ऑड नंबर, तो क्या आएगा, माइनस वन, तो भैया माइनस वन बाई 66, तो रिमाइंडर तो नेगेटिव हो नहीं सकता था, आंसर रिमाइंडर आने से 66 माइनस वन करोगे तो 65। याद करो मैंने कल ही क्लास में पढ़ाया था, जिस बच्चे ने कल वाला लेक्चर नहीं देखा है वो प्लीज़ आप देख लें, तो आपका एक परफेक्ट नोट्स बन जाएगा, राइट, देन योर नोट्स विल बी वेरी क्विकली एंड वेरी परफेक्टली, राइट। इसलिए प्लीज़ आप मेरे बच्चे देख रहे हैं ना,
आपको बेनिफिशियल होगा, अच्छे तरीके से होगा, ओके, ताकि आप उस पॉइंट्स को बेहतर तरीके से समझ सकोगे, बेहतर तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। अब देखो, जब इससे इसमें डिवाइड करोगे, फिर से आपका रिमाइंडर माइनस वन, माइनस वन की पावर 133 डिवाइड बाई 135, ये क्या नेगेटिव है, नेगेटिव ऑड नंबर है, या माइनस वन अपॉन में 135, आंसर क्या आएगा 135, माइनस वन करोगे तो 134 आएगा। देखा, दिस इज, तुम्हारा फ़ोन है क्या उधर, चलो देखो, इज इट क्लियर, तो ये आपका आंसर 134 आएगा, ओके। तो मुझे ऐसा रियलाइज हो रहा है कि आई होप मेरे प्यारे जितने मेरे फ्यूचर IAS ऑफिसर हैं, राइट, है ना, सभी लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी, सभी लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे, ओके, बेहतर तरीके से समझने का प्रयास आप सभी लोग कर रहे होंगे, ठीक है। सभी को अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन SKS10, वरना SP शाह कोर्ट का भी रिप्लाई कर सकते हो, और इस टेलीग्राम लिंक को सर्च करके क्लास के PDF नोट्स के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो। क्लियर, क्लियर, इज इट क्लियर, राइट, क्लियर है, बना दो, ठीक है, क्लियर। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट देखो, मैं आपको थोड़ा सा आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस की फॉर्मेट लेके आया हूँ, शायद इसी में होगा, राइट, है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। रघुपति राघव राजा राम, जितना मेहनत उतना काम, तुम आओ मेरे साथ लगाओ अपना ध्यान। यार ये हैंग करता है क्या, ये हैंग कर रहा है, नहीं देखो भाई, ये तो कल आपको होमवर्क दिया था, मुझे लगता है कि इसको करने की कोई जरूरत है, यार देखो नहीं, ये हैंग कर रहा है, ऐसा लग रहा है, नहीं देखो, देखो ना, ये देखो क्वेश्चंस, आई थिंक इट्स विजिबल, राइट, ये है इसका मतलब, ये देखो, इस क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए, ये है आपका 67 की पावर 67 बाई 68, ये है 29 की पावर 28, ये है 30, ये है 137 की पावर 138, ये है 136, ये है आपका 238 की पावर 2357 डिवाइड बाई 239, राइट, ये है आपका 55 की पावर 55 प्लस 55 बाई 56, आराम से करो, आराम से करो मेरे प्यारे फ्यूचर IAS ऑफिसर, रगड़ के पढ़ो, राइट, समझ में नहीं आएगा ऐसा हो ही नहीं सकता है, तुम मुझे समय दो मैं तुम्हें रिजल्ट दूंगा, राइट, तुम मुझे समय दो मैं तुम्हें रिजल्ट दूंगा। बाकी किसी को भी अनअकैडमी से कॉल आए, किसी को भी ज्वाइन करना हो, यू कैन यूज माय रेफरल कोड देयर विच इज SKS10, राइट, कोई बच्चा कोर्स नहीं बाय कर पा रहा है, राइट, उसको मेंटोरशिप प्रोग्राम चाहिए, ओनली गाइडेंस प्रोग्राम चाहिए, तो वो भी अवेलेबल है, ठीक है, आप वो भी ले सकते हो, क्लियर, मैं सोच रहा हूँ कल क्लास ना लूँ, ऐसा सोच रहा हूँ, लेकिन ऐसा हो सकता है क्या, नहीं ना, क्लास तो लेना पड़ेगा, भले ही क्लास एक घंटे का ना लूँ, लेकिन क्लास लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऐसा पता है कि मेरे लिए बहुत सारे बच्चे अपना टाइम निकाल के बैठते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, बैठना भी चाहिए, नहीं सोचो ज़रा खुद से, नोट्स बना लो एग्ज़ाम से पहले, इसको एक बार रिवाइज कर लेना, आपका हो जाएगा क्लियर,
राइट देखो देखो आराम से सोचो, आराम से राइट, आराम से प्रैक्टिस करो, आराम से सोचिए और आराम से प्रैक्टिस कीजिए, ओके, आराम से सोचिए और आराम से प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज प्रैक्टिस परफेक्ट प्रैक्टिस 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 विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू, ओके, बट प्रैक्टिस लोग कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, मैं कहता हूँ गलत बात है, नहीं नहीं प्रैक्टिस इंसान को, क्या पता तुम गलत तरीके से प्रैक्टिस करो इसलिए तुम उसमें परफेक्ट हो, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट अकॉर्डिंग टू मी, दैट विल बी करेक्ट देयर राइट नाउ। सो इसमें से डिवाइड करोगे रिमाइंडर माइनस वन की पावर 67 अपॉन में 68, ये ऑड नंबर है इसलिए माइनस वन बाई 68 आंसर क्या आएगा 68 माइनस वन करोगे 67, इससे डिवाइड करोगे माइनस वन की पावर 28 डिवाइड बाई 30 तो ये आएगा माइनस प्लस का वन, आंसर प्लस का वन बाई 30 आंसर इसका रिमाइंडर आपका वन ही आएगा, रिमाइंडर आपका वन ही आएगा, ओके रिमाइंडर आपका वन आएगा, देखो इससे इसमें डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपका वन आएगा, वन की पावर 138 डिवाइड बाई 136 आंसर कितना आएगा इसका वन ही आएगा भाई, वन की पावर कुछ भी हो एनीथिंग, चाहे एक की पावर में आपके भैया हो, आपकी भाभी हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो, आपकी बॉयफ्रेंड हो, चाहे एक्स वाई जेड हो, चाहे एनीथिंग एनी नंबर्स एनी थिंग से घोड़ा हो हाथी हो कुछ भी हो दैट विल बी ओनली वन, सो दैट्स व्हाई इट बिकम्स हियर योर आंसर इज वन राइट। 239 डिवाइड बाय 39 माइनस का वन, माइनस का वन 2357 है ये ऑलरेडी ऑड नंबर है तो ये माइनस वन आएगा, माइनस वन डिवाइड बाई 239 आंसर कितना आएगा 239 माइनस वन इक्वल टू 238। जिसको नहीं समझ में आ रहा है कल वाला क्लास एक बार जरूर देख लो, फिर अगर चाहे तुम कितने भी तुम्हारा कितना भी बैकग्राउंड वीक रहा है, आपने कभी भी नहीं पढ़ा है, चाहे बचपन में आपकी इतनी सारी गलतियां हुई, बचपन की गलतियों से अभी भी आप परेशान हो तो टेंशन नहीं लो, एक बार इस क्लास को सीरियल वाइज देख लो, तुम्हारा जरूर दिमाग का ढक्कन जरूर खुलेगा राइट है ना, आपका जरूर दिमाग का ढक्कन खुलेगा ये मेरा मानना है, ऐसा मेरा विश्वास है आप सभी के लिए हो मेरे प्यारे फ्यूचर IES ऑफिसर, इज इट क्लियर, सो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन यस सर, राइट इन द कमेंट सेक्शन यस सर, लेकिन लड़ाई यहाँ पे होगी, इसको देखो ये जो क्वेश्चंस है यहाँ पे देखो देखो यहाँ पे देखो इसको आप कैसे लिख सकते हो, देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 55 के पावर 55 डिवाइड बाई 56 प्लस 55 के पावर 56 ऐसे भी लिख सकते हो, आप वहाँ भी एक साथ भी कर सकते हो, देखो ध्यान से देखो 56 से 55 डिवाइड करो रिमाइंडर कितना आएगा माइनस वन राइट, ये आएगा आपका माइनस वन की पावर 55 रिमाइंडर 56 प्लस इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा माइनस वन की पावर 56। अब देखो ध्यान से देखो ध्यान से देखो क्या आएगा माइनस वन राइट, ओके भाई माइनस वन ये है माइनस वन की पावर 55 तो माइनस वन ही आएगा, ये कितना आएगा ये आपका माइनस वन ही आएगा राइट, ये आपका कितना आएगा ये आपका माइनस वन, ये आपका आएगा ऊपर में माइनस वन आएगा राइट है ना बाई 56 ये आएगा इधर इधर क्या आएगा प्लस माइनस माइनस का वन बाई 56 राइट। तो भाई अब ये देखो कितना आसान हो गया राइट, ये आपके सामने कितना आसान माइनस वन और माइनस वन माइनस का टू राइट, ये आपका होता है, अब इसको आप यहीं पे कर सकते हो, देखो 56 का पार 55 है तो माइनस वन के पार 55 तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू माइनस वन हो जाएगी राइट है ना, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू आप करोगे कितना हो जाएगा आपका माइनस वन, तो माइनस वन प्लस माइनस वन माइनस का टू यानी कि माइनस टू बाई 56 यहाँ पे देखो आपको दिख रहा था माइनस टू बाई 56 आंसर क्या आएगा 56 माइनस का टू रिमाइंडर कितना आएगा आपका 54 आएगा ठीक है, रिमाइंडर आपका 54 आएगा। तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, इस तरीके से भी क्वेश्चंस को डील कर सकते हो, इस तरीके से भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपका आंसर परफेक्ट तरीके से आ सकता है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू माई डियर फ्रेंड्स, सो यू मस्ट हैव टू बी मोर एंड मोर प्रैक्टिस। इस क्वेश्चंस को देखिए आप, इस क्वेश्चंस को देखो राइट, फिर आप इस क्वेश्चंस को देखने के बाद ओके 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 फिर आप इसको देखो, बाकी क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, बाकी क्वेश्चंस आपके होमवर्क के लिए ठीक है, बाकी क्वेश्चंस आपके होमवर्क के लिए करो, सारा करो कोई दिक्कत नहीं, दो क्वेश्चन चलो एक साइड से करो, आई एम गिविंग यू फॉर 5 मिनट्स राइट, बस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए राइट, अभी भी मैं कह रहा हूँ डेली क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए सी सैट स्पेस पोर्टल है इसको ज्वाइन कर लीजिए राइट क्लियर,
आराम से। ठीक है, देखो देखो मैं आप सभी को बताता हूँ, आप सभी को मैं बताता हूँ। ओके ओके, ये क्वेश्चन सर यहाँ से, ये सब क्वेश्चन आपके सीडीएस हैं। देखो अगर आप इसको डील करने की कोशिश करोगे राइट, है ना, तो हाउ यू विल सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, डेफिनेटली यू विल गेट द करेक्ट आंसर। ओके, अगर आप इससे इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपका कितना आएगा, -1 की पावर 297 +1 डिवाइडेड बाई 291। ये रिमेंड, ये ऑड नंबर है, -1 + 1 / 298, ये कैंसिल होकर के बचेगा क्या, 0 0 / 298। आंसर क्या आएगा, रिमाइंडर इसका 0 आएगा। इसमें देखो 89 से 88 में डिवाइड करोगे कितना आएगा, -1 - 1 / 88 / 89 राइट, +88 से डिवाइड करो इसमें कितना आएगा राइट, -1 आएगा राइट, -1। तो -1 के कितना ये करोगे तो +1 - 1 / 89, ये कितना आएगा आपका, रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, 163 से 162 में डिवाइड करोगे राइट, तो ये करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, -1 - 1 / 162 + 1 / 163। इसका ये इवन है, -1 / 162 करोगे राइट, तो ये कितना आएगा, ये आपका +1 + 1 / 163, ये कितना आएगा आपका, 2 आएगा। ठीक है, अब आप इसको देखो, ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये ऐसे लिखा है, ये ऐसे लिखा है, देखो यहाँ पर ध्यान से, 53 के पावर 53 + 51 के पावर 51 / 52 / 52। ओके, अब सुनते रहो ध्यान से, ध्यान से सुनना, ध्यान से राइट, जहाँ से आपको गड़बड़ी हो सकता है इसको समझ सकते हो राइट। इससे इसमें डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, -1 - 1 के पावर 53 राइट, प्लस इसको इससे डिवाइड करोगे, नहीं नहीं ये प्लस का पॉजिटिव वन आएगा, इसमें करोगे तो -1 की पावर 51 / 52। भाई ये ऑड है, ये 1 के बाद कुछ भी हो तो 1 ही आएगा, ये -1 आएगा / 52, तो ये आपका 0 हो गया। अब आप अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं, किसी भी लेवल का कैसा भी क्वेश्चन हो, आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, इस तरीके से क्वेश्चन को डील आप कर सकते हो, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा विश्वास है आप सभी के लिए राइट, है ना। यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय दिस वे, एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन राइट। अभी तो मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम का जो टाइप्स पढ़ाया राइट, है ना, उसको तो मैंने आपको सॉल्व किया ही नहीं, उसको तो मैंने अभी आपको सॉल्व करके बताया ही नहीं है। ठीक है राइट, है ना, मैंने बताया ही नहीं। अभी देखो एक क्वेश्चन आपको और दिखाता हूँ, ये देखो एक क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का दिखाता हूँ,
देख रहे हो कितने सारे कदम, बहुत आसान है, कोई टफ नहीं है, मत सोचना कि बड़ा टफ है, इट्स नॉट द टफेस्ट क्वेश्चन। देखो ना, ये देखो ना, ये देखो ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं सर। ये देखो ना, 32 32 32 32 32 32 ऐसा। अभी UPSC ऐसा नहीं है कि इस लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछेगी, बिल्कुल पूछेगी, क्योंकि अभी UPSC जो है ना, अभी UPSC है ना, अभी इस फिल्म अभी रिमाइंडर थ्योरम में उन्होंने एंट्री ही मारी है। क्या मारी है? रिमाइंडर थ्योरम में इन्होंने अभी एंट्री ही मारा है, राइट, है ना। अब मैं आपके दो क्वेश्चन देता हूँ, मेरे पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, मैं किसी एग्ज़ाम का, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, ये देखो, ये देखो, देखो, जैसे कि मान लो, जैसे कि मान लो 22 की पावर 23 प्लस 23 की पावर 23 डिवाइड बाय 45। ओके, एक ये क्वेश्चन है, राइट, और एक क्वेश्चन और है मेरे प्यारे बच्चे, 12 की पावर 27 प्लस 13 की पावर 27 प्लस 14 की पावर 27 प्लस 15 की पावर 27 डिवाइड बाय 27। ओके, डिवाइड बाय 27, राइट। ओके, तो इस पॉइंट्स को आप समझिए बेहतर तरीके से, इस पॉइंट्स को आप समझिए बेहतर तरीके से, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन, ये आपका CDS में ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, राइट। आप सोचो, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकती है UPSC, ऐसा नहीं है कि नहीं। आप सोचो कि हम कैसे सॉल्व कर सकते, प्लीज थिंक अबाउट इट, प्लीज कम ऑन, कम ऑन, ध्यान रखना मेरे प्यारे फ्यूचर IAS ऑफिसर, किसी के पास समय, हमें समय अधिक नहीं चाहिए, हमें तो उसी समय से या उसी समय में अधिक चाहिए। अगर आपके अंदर है नए तरीके से पढ़ने का जुनून, जोश, तो जरूर बन सकते हो, राइट, सिविल सर्वेंट। इज इट क्लियर? सो प्लीज मोर फोकस, यू मस्ट हैव टू बी मोर फोकस हियर। ओके, आराम से, आराम से, आराम से। लाइव देखोगे, टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लो, अगर कहीं कुछ छूटेगा, राइट, तो आप अपना नोटबुक में स्पेस छोड़ना, स्पेस छोड़कर रखना, टेलीग्राम पे हमेशा सक्रिय रहना, राइट, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, राइट। बाकी कोई भी पेड कोर्सेज ज्वाइन करना है, यू कैन ज्वाइन, राइट, बाय यूजिंग माय रेफरल कोड SKS मंजूर अकेडमी पे, किसी भी कैटेगरी में कोई भी कोर्सेस लेना हो तो, ठीक है। इज इट क्लियर? आराम से सोचिए, लीजिए,
देखिए सुनिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ राइट, अब आपको मैं समझ चुका हूँ राइट ओके। देखो पहली बात, 45 से 22 में डिवाइड करोगे ना तो रिमाइंडर बहुत ज़्यादा आएगा, यहाँ से भी कर सकते हो। देखो स्टेप वन, मैं आपको मेथड वन बताता हूँ, अगर आप यहाँ पे डिवाइड करोगे इसमें तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा, माइनस का 23 के पावर 23, और ये है प्लस 23 के पावर 23 डिवाइड बाई 45। देखो अब देखो आपका सेम दिख रहा है, अब देखो आपका सेम दिख रहा है, दोनों में से कट ओके तो ये देखो ये सेम आ गया राइट हैंड, अगर आप देखो देखो ये दोनों चीज़ सेम है, तो ये और ये कैंसिल होकर के आपका जीरो आ जाएगा राइट। या एक ऐसे भी आप कर सकते हो, ऐसे भी आप कर सकते हो कि कभी कभार आप इसको चेंज कर लो, इसको जैसे 22 के पावर 23 है प्लस, इसको करोगे तो माइनस का 23 के पावर कितना आएगा, 23 आएगा राइट, डिवाइडेड बाई कितना है आपका, ये माइनस का 22 होगा ना, माइनस का 22 45, तो ये आपका फिर से सेम है, दोनों चीज़ सेम है, फिर से आपका जीरो हो जाएगा। तो कोई टफ नहीं है, इजी है, आप ऐसे भी सोच सकते हो। अब ये देखो ये वाला जैसे मान लो कि देखो, अब आप देखो ध्यान से देखो, देखो ये मैं क्या करता हूँ, 12 की पावर 26 बाई 13 के पावर 27 छोड़ दो, इसमें डिवाइड करोगे ना तो माइनस का 13 कर दो के पावर 27 प्लस, इसमें करोगे तो माइनस का 12 बाई 27 डिवाइडेड बाई 27। ये जितनी बार प्रैक्टिस करोगे ना आपको ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में हिट करेगा, 12 के पावर 27 प्लस 13 के पावर 27, ये आप करोगे ना तो माइनस के 13 के पावर 27 माइनस 12 के पावर 27 डिवाइडेड बाई 27, ये कैंसिल, ये कैंसिल, आंसर कितना आएगा आपका, जीरो। क्या आएगा, मैं बहुत जल्दी सी सैट का टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करने वाला हूँ, ये ध्यान रखिएगा, अब बहुत जल्दी, मुश्किल से एक हफ्ते के अंदर, जिसको भी इसमें एडमिशन वगैरह लेना है कॉल करके बातचीत कर सकते हैं राइट, है ना हम और हमारी टीम आपके लिए दिन रात एक करेगी, हम और हमारी अन अकेडमी की टीम ओके। इज इट क्लियर, यस या नो राइट, उसमें आपके क्वेश्चंस रहेंगे राइट, है ना, उसमें आपके क्वेश्चंस रहेंगे ओके। कंप्लीट रहेगा, सेक्शन वाइज रहेगा राइट, है ना, वन स्टॉप, क्योंकि पिछली बार से बहुत सारे बच्चों को बेनिफिशियल हुआ। कभी मैं, हालांकि देखो अभी तक मैं कभी आपको अपना रिजल्ट नहीं दिखाता हूं, मैं चाहूं तो मैं भी स्क्रीनशॉट लगा कर दिखा सकता हूं, लेकिन मैं नहीं दिखाता। मुर्दाल सर कभी दिखाते हैं क्या, और भी लोग कभी दिखाते हैं क्या, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह दिखा देती है अलग बात है राइट, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाओ तो बच्चा, अब देखो सही पढ़ा रहा हूँ तभी तो इतने सारे बच्चे क्लास में लाए, तभी इतने सारे बच्चे देखते हैं राइट, नहीं तो मैं भी चाहता तो मैं भी आपके पास आऊँ, स्ट्रैटेजी वीडियो लेके आऊँ बना के और चला जाऊँ आपको बता दूँ राइट, टाइम पास करना हर किसी को आता है। आईएएस की कैसे तैयारी करें, इसी पर कम से कम नहीं तो भाई 24 घंटा बोल सकता हूँ, लेकिन नहीं बताता हूँ राइट, आपको पढ़ना पड़ेगा, बस ये ध्यान रखिएगा, बकवासबाजी फालतू की चीज़ें से कोई मतलब नहीं है राइट, है ना। अगर आप देख रहे हो, अगर आप देख रहे हो कि मान के चलो कि आप डेली आप न्यूज़पेपर अगर मंगा रहे हो राइट, है ना, अगर आप न्यूज़पेपर मंगा रहे हो ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई देखने वखने से ठीक है बेनिफिशियल हो जाता है राइट, देख लो यूट्यूब पे इधर उधर, लेकिन खुद से भी पढ़िए, कब का पेपर है, कल का ही पेपर है राइट, जो मैंने भी अभी तक पढ़ाने में 3-4 दिन का एक साथ पढ़ता हूँ, क्या कहूँ टाइम नहीं मिल पाता मेरे पास राइट, तो आपको पढ़ना खुद से पड़ेगा राइट, जैसे कितना चार्टे का रेस्टलेस पॉटेस्ट एंड द श्रिंकिंग स्पेस फॉर डिसेंट राइट,
द सेकेंड बेस्ट फॉल फ्रॉम ग्रेस ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म देयर जनरेटिव ऑल चैप्टर राइट। तो इतना अच्छा अच्छा आया है राइट, एंड आप इसको पढ़ सकते हो। फिर इधर भी आपका दिया सेम सेक्स मैरिज मोरालिटी वेस इक्वलिटी, तो कितना अच्छा आर्टिकल्स दिया हुआ है राइट, है ना, एनसीसी राइट। तो बहुत अच्छा अच्छा दिया, आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं हमेशा आपको कहना चाहता हूँ मेरे बच्चे, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है राइट, कि आप शॉर्टकट में आपको मिल जाएगा आप कर लोगे, नहीं नहीं पढ़ना तो पड़ेगा भाई, पढ़ो राइट, पढ़ो जो भी बेसिक्स बुकें हैं, जो भी चीज़ें, खुद से पढ़ने पर ध्यान दो राइट। टाइम को सेव करने के लिए जो चीज़ खुद से कर सकते हो उसको खुद से करो, जो चीज़ नहीं कर सकते उसके लिए हेल्प लो। मेरी बात, मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ राइट, ये नहीं कि भाई मान के चलो इस चैप्टर से मान लो एक नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, एक नंबर के चक्कर में तुम उसको 10 दिन तक पढ़ रहे हैं, ये कहाँ का रूल है, ऐसे मत करो राइट। अगर किसी चैप्टर से 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको पता है कि भाई इस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन, तो उस पर टाइम दो, पढ़ो। अगर आप खुद से कर सकते हो तो खुद से करो, कोई दिक्कत नहीं है, खुद से करो राइट, तभी तो आपको बेनिफिशियल होगा। खैर मेरा तो मतलब रहता है आपको मैं समझाऊं, लेकिन तुम समझने वाले तो हो नहीं, मत समझो, हमें क्या मतलब है, मतलब तो नहीं है लेकिन पढ़ना पड़ेगा, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। आज से मैं एक क्वेश्चन आपको दूंगा और आपको इसका आंसर जो है ना कमेंट सेक्शन में आपको बताना पड़ेगा राइट, है ना, आज से राइट, आज से आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना पड़ेगा। ये देखो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, अभी नहीं ऑफलाइन मोड, ऑफलाइन क्लियर सेक्शन क्या हो इसका आंसर भाई। किसी को मैन अकेडमी से कोई भी कोर्स लेना है प्लीज़ यूज दिस रेफरल कोड SKS10। अच्छा वो जो था ना अभी जो मैंने आपको दिखाया था ना वो मैं आपको और करा दूँ, रिमाइंडर थ्योरम की जो पार्ट्स कराए थे, विल्सन थ्योरम, चाइनीज थ्योरम राइट, जितने भी थ्योरम थे, टोशन, तो ये सब कल करा दूंगा ठीक है राइट। इस कोड को यूज़ करिए, सभी एजुकेटर की क्लासेस मिलेगी है ना, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा राइट, मेरा पर्सनल सपोर्ट मिलेगा, पर्सनल गाइडेंस होगा, हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलेगा टिंजोर सिलेक्शन। और इस कोड को यूज़ करने के बाद आपको कंप्लीट प्रिपरेशन होगी, कंप्लीट प्रिपरेशन, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू राइट, कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे ऑप्शनल राइट आप कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो। ज्वाइन करिए टेलीग्राम न्यूकॉन अकेडमी के, आप पे फॉलो करिए, लेट्स क्रैक इट एंड गॉड। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, शेयर जरूर करिए जो गुदना के तौर पे, और इस क्वेश्चन का आंसर बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में क्या होगा ठीक है, ऑफलाइन मोड में अभी नहीं होना। थैंक यू सो मच, थैंक यू मेरे प्यारे फ्यूचर IAS ऑफिसर, थैंक यू। Thank you.